नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी। हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बनाइट प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भैया मंच के सामने जो गाड़ी लगी हुई है जिसका नंबर है 5499। गाड़ी के ड्राइवर से अनुरोध है कि वो गाड़ी हटाने का कष्ट करे। संकल्प लेने के लिए अब प्रणाम करता हूं। आपने जिस हौसला और जिस आज 10 वर्ष जलेश्वर बाबू का 25 वर्ष और 25 वर्ष में ओपी लाल के खिलाफ या चुनाव हम आपस में लड़े हैं, हमारी पराजय हुई है इनसे, इनको भी हमने परास्त किया था, फिर बदले में इन्होंने इनकी बात माना लोगों ने। लेकिन 25 वर्षों में जलेश्वर महतो या ओपी लाल या हमारे किसी सहयोगी ने ऐसा कोई काम किया हो जिससे समाज को तकलीफ हुई हो, लोगों का पलायन हुआ है, और अगर ये ट्रेन नहीं चलती जो हमारा लास्ट मिशन है कि धनबाद चंद्रपुरा रेल को चालू कराना, और तब तक ये मिशन चलेगा जब तक कि डीसी लाइन नहीं चालू हो जाए, डीसी ट्रेन उतना ही लोग कर लेगा। और पानी की जो कमी है, हम ट्रेन चलवाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम ट्रेन चलाने के लिए बैठेंगे, और जलेश्वर बाबू बतौर मंत्री पानी की कमी को दूर करेंगे, और इसके बीच में कोई अड़ंगा ला लेगा, कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा तो ना हम कभी झुके हैं ना जलेश्वर महतो झुके। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, पदयात्रा मेरा कार्यक्रम के अंतर्गत है,
और हमको जनता के बीच में जाना है, जनता को ये बताना है कि हमारा छाप क्या है और हमारा काम क्या है, हम क्या काम करेंगे। और सारे हमारे जो अभिभावक हैं, लाल साहब, बाबू रणविजय सिंह जी हैं, भाई अर्जुन जी हैं और सारे जो हमारे जो सम्मानित साथी हैं, सबका इस कार्यक्रम में अति सहयोग मिला, इसके कारण ये कार्यक्रम अति सफल हुआ। जनसैलाब उमड़ा टीवी में बोलिएगा, आप कह रहे हैं जनसैलाब उमड़ा, जनसैलाब तो हम कहते हैं कि उमड़ा है। और यह जो है बागमारा के विधायक के खिलाफ में जनसैलाब उमड़ा है और वोट भी 16 तारीख को इसी तरह से उमड़ेगा। क्या माना जा सकता है कि ये बागमारा को भविष्य तय करेगी? तय करेगा, एकदम निश्चित तय करेगा। यहाँ मजदूर तैयार है, किसान तैयार है, व्यापारी तैयार है, बुद्धिजीवी तैयार है, हम सभी लोग तैयार हैं। संबोधन में 24 घंटा में एक रिजल्ट की बात कर रहे थे, उस पर जैसा? नहीं, 24 घंटा मैंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, 23 को परिणाम अगर आ जाएगा तो ये गुंडा राज को हम 24 घंटा में खत्म कर देंगे, रोजगार मुखी योजना को चालू कर देंगे। बार बार ये आरोप लगाते दिखे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर। हम तो बराबर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार छुपल है क्या? आप लोग नहीं जाते हैं कोई ऑफिस में, ब्लॉक में नहीं जाते हैं, जिला में नहीं जाते हैं, कोई कार्यालय में बगैर पैसा काम होता है? बताइए, आप हमसे खाली बुलवा रहे हैं, हम तो बोलते ही हैं, बेफिक्र आपको बोलते हैं, बेझिझक बोलते हैं, है तो है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना भ्रष्टाचार है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार। ओह, 61% ऑफ ऑन होस्टिंग पैकेजेस, दैट्स ह्यूज। ओह लुक, there are offers on domains and add-ons too. Interesting. Thanks to Super Black Friday sale. Your business idea needs a website? So go to Wix.com.